आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ विधानसभा में दूसरे दिन भी गूंजा और साथ साथ जो धर्मांतरण का मुद्दा है इसको लेकर भी विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष ने शून्यकाल में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर स्थगन लाने की बात कही, चर्चा कराए जाने की मांग की और चर्चा नहीं होने पर विपक्ष के विधायकों ने गर्भगृह में धरना दिया, जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि धर्मांतरण को लेकर नारायणपुर में दो दिन से बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार का संरक्षण धर्मांतरण को मिला हुआ है और उनके संरक्षण में ही धर्मांतरण का ये पूरा खेल चल रहा है। जो धर्मांतरण नहीं करा रहे हैं उनके घर पर आक्रमण करके आगजनी की जा रही है और उसी की प्रतिक्रिया कल सामने आई है। शांत बस्तर को अशांत करने की जवाबदारी कांग्रेस सरकार की है। इस पूरे मामले में सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने भी धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया दी, कहा कि यह कानून व्यवस्था का मामला है, किसी तरह का कहीं पर भी धर्मांतरण नहीं हो रहा। चलो ना, तुम पूछो रहे, आप मत छेड़िए, महिला सदस्य का प्रश्न आने दीजिए। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नारायणपुर की कल की घटना भी चिंताजनक है कि किस प्रकार धर्मांतरण को लेकर सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है और जिस प्रकार आक्रमण हो रहा है, ये अपने आप में अद्भुत घटना है कि जो धर्मांतरित नहीं हो रहे उनके घर में आक्रमण करके उसको आग लगाने की कार्रवाई होती है। उसकी प्रतिक्रिया कल आई जब हजारों लोग मिलके इसका विरोध करने के लिए सामने आए और ये बस्तर इतना शांत है, नारायणपुर इतना शांत है, उसको अशांत करने की जवाबदारी कांग्रेस सरकार की है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाया। माननीय गृह मंत्री जी शो मोटो स्टेटमेंट भी देना चाहते थे, घटना की जानकारी सदन को हो जाए, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तत्पर थे, किंतु केवल हंगामा करने के लिए प्रतिपक्ष ने वो मुद्दा उठाया था। मैं समझता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी का बयान उनको आने देना था। वही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी यही कहा कि ये जो धर्मांतरण हुआ है वो पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से किया गया है, शासन प्रशासन के कहने पर किया गया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने जो महारैली निकाली है, दरअसल कांग्रेस आरक्षण देना ही नहीं चाहती बल्कि आरक्षण की बैसाखी पर राजनीति वो करना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष ने इन दोनों ही मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है और उन्होंने INS 24/7 के हमारे संवाददाता से इस मामले को लेकर खास बातचीत भी की। हमारे साथ है नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, उनसे बात करेंगे। सर, आज भी सदन की कार्रवाई में काफी शोरगोल हुआ, हंगामा हुआ और जिस तरीके से कल नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हिंसक वारदात हुई उसको लेकर भी आप लोगों ने विरोध किया। जी, आज निश्चित रूप से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, बस्तर में, नारायणपुर में, सरगुजा में, कोरिया में, जसपुर में, और एक विशेष समुदाय के लोग, हमारे हिंदू समाज के लोगों पर, आदिवासी भाइयों पर सुनियोजित ढंग से हमला कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से 8-10 दिन से पूरे बस्तर का माहौल खराब है। शासन को इसकी सूचना है लेकिन प्रशासन मौन है। हमारा आरोप है कि धर्मांतरण जो हो रहा है वो सरकार के संरक्षण में हो रहा है, वो आरक्षण देना नहीं चाहती, सिर्फ राजनीति करना चाहती आरक्षण के बैसाखी पर। हमने कल से मांग किया था सदन में कि वो क्वालिफाइड डाटा पेश करें, क्यों पेश नहीं कर रही है, क्यों राजभवन नहीं भेज रही है डाटा आयोग की रिपोर्ट को, क्यों सदन में नहीं पेश कर पा रही है, क्या दिक्कत क्या है? जनता जानना चाहती है कि डाटा आयोग की रिपोर्ट में है क्या, कोई गुप्त चीज है क्या? वो जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो सार्वजनिक होना चाहिए, आरक्षण का आधार ही डाटा आयोग है। बिल्कुल, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि धर्मांतरण और आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार जिस तरीके से सदन में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रही, उसे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे से भागना चाह रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आरक्षण की वस्तु स्थिति का जानकारी देने के लिए कल भाजपा राजधानी के अम्बेडकर चौक में धरना देगी। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ स्वप्न गोरखेड़े, INS News रायपुर। धर्मांतरण को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि धर्मांतरण के मुद्दे को सरकार ने सदन के अंदर रखने नहीं दिया। एक हफ्ते से वहां पर स्थिति जो थी वो तनावपूर्ण थी, एक हफ्ते से लगातार यहां पर इसको लेकर
लगातार बात हो रही थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विवाद की स्थिति एक हफ्ते से बनी थी, सरकार के द्वारा ध्यान नहीं देने की वजह से यहाँ पर हालात बिगड़े हैं और इस पर सत्ता पक्ष के लोग चर्चा भी नहीं करना चाहते। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आरक्षण के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। पूर्व मंत्री ने और भी कई बातों को लेकर सरकार पर निशाना साधा, क्या कुछ उन्होंने कहा है ये आपको सुनाता हूं। विधानसभा का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के विधायक आज जो है आरक्षण के मुद्दे पर, धर्मांतरण के मुद्दे पर काफी यहाँ पर विरोध किए और जिस तरीके से क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही उसको लेकर विरोध किया जा रहा है। सर आज भी हंगामा हुआ काफी और हंगामे की भेंट चढ़ गया, स्थगित कर दी। हंगामा नहीं है, ये विधायकों का अधिकार है कि विधायक सदन में चर्चा चाहते हैं कि नारायणपुर की इतनी बड़ी घटना, पूरा बस्तर जल रहा है, पूरा नारायणपुर जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है, इसके विरोध हमने आज स्थगन प्रस्ताव दिया था। परंतु स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की बजाय कांग्रेस के पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग चर्चा नहीं करना चाहते। और हमने कल भी मांग की थी कि ये खाली आरक्षण के नाम पर मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। जो बेस है क्वांटिफाइड डाटा के आधार पर इन्होंने आरक्षण दिया है, जब तक उसको प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक ये आरक्षण सही मायनों में किसी भी स्तर पर टिकेगा नहीं। ख्याली ये आदिवासियों को, अनुसूचित जाति को, पिछड़े वर्ग को भुलावे में रखना चाहते हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते। प्रस्तुत नहीं कर रही है।